गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द साइंस क्लास सो इन टूडेज साइंस लेक्चर वी विल रीड अ टॉपिक ऑन पेज नंबर सेवेंटी सिक्स एंड अवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम क्या करेंगे मैटर को क्लासीफाई करेंगे कितनी टाइप्स के अंदर थ्री टाइप्स के अंदर और किस बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम कि इनके अंदर किस तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं सो द फर्स्ट टाइप इज एलिमेंट्स एलिमेंट्स क्या होते हैं सबस्टांसिस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के क्या होते हैं एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक ही तरह के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्स एटम्स क्या होता है एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की जैसे हमारा घर है ना हमारा घर ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के बनता है तो हमारे घर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई ब्रिक्स वैसे ही मैटर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है एटम्स तो जिस सब्सटेंस के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं ना उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स सपोज मेरे पास ये फोर एटम्स हैं ये फोर एटम्स सेम ही है ना तो सेम एटम्स को कंबाइन करके क्या बनता है एलिमेंट नाउ वी विल रीड अबाउट कंपाउंड्स कंपाउंड्स क्या होते हैं सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एक से ज़्यादा तरह के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल वाटर वाटर के अंदर दो तरह के एटम्स कंबाइन होते हैं एक होता है हाइड्रोजन एक होता है ऑक्सीजन तो इसमें क्योंकि एक से ज़्यादा तरह के आइटम्स कम्बाइन हैं इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कंपाउंड्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है चारों डिफरेंट कलर के आइटम्स हैं तो जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और तब वो क्या बनाते हैं कंपाउंड्स सो नाओ वील रीड अबाउट मिक्सचर्स मिक्सचर्स क्या होते हैं सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स बट आर नॉट कंबाइंड ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एक से ज़्यादा तरह के एटम्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते फॉर एग्जाम्पल एक साइड में मेरे पास क्या है चार डिफरेंट एटम्स दूसरी साइड पे भी मेरे पास क्या है चार डिफरेंट एटम्स ये सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन है लेकिन ये एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं है जब अलग अलग तरह के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं उसे हम बोलते हैं कंपाउंड्स लेकिन जब हमारे पास अलग तरह के एटम्स तो हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं है वो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते सिर्फ उनका क्या होता है थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के साथ तो इसे हम क्या बोलते हैं मिक्सचर जब वो कंबाइन नहीं होते और जब कंबाइन होते हैं तो हम बोलते हैं कंपाउंड्स सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स एग्जाम्पल क्या है मिक्सचर्स का वाटर एंड सॉल्ट जब हम वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स करते हैं दोनों के हैं डिफरेंट तरह के आइटम्स हैं ना वो एक दूसरे के अंदर मिक्स तो हो जाते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ वो कंबाइन नहीं होते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं मिक्सचर्स अभी हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ़ स्टेट्स ऑफ मैटर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी ना कि मैटर कौन कौन सी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है सॉलिड लिक्विड और गैस तो इनको हम एक दूसरे के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय सिंपल प्रोसेस लाइक फ्रीजिंग बॉयलिंग मेल्टिंग एक मैटर की स्टेट को दूसरी स्टेट में जब हमें कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल प्रोसेसेस के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं ना फ्रीज़ करके भी कर सकते हैं कभी 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 बॉयल करके कर सकते हैं तो कभी मेल्ट करके जैसे वाटर हमने वाटर का एक एग्जाम्पल किया था कि जो वाटर होता है जब हम उसे फ्रीज़ कर देते हैं तो वो क्या है सॉलिड हो जाता है ना नॉर्मल क्या होता है वाटर लिक्विड होता है जब आप उसे फ्रीज़ करोगे वो क्या हो जाएगा सॉलिड और जब आप उसे वाटर को बॉयल करोगे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है मतलब लिक्विड से क्या बन गया गैशियस फॉर्म में तो ऐसे हम मैटर को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर कैन बी कन्वर्टेड टू गैशियस फॉर्म बाय बॉयलिंग एंड आइस कैन बी कन्वर्टेड टू वाटर बाय मेल्टिंग अभी मैंने आपको बताया ना कि जो वाटर होता है अगर हम उसे बॉयल करेंगे तो वो गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा बॉयल करते हैं तो स्टीम बन जाती है ना वो क्या होते हैं वेपर्स होते हैं वो गैशियस फॉर्म होती है और जो हमारी आइस है आइस को हम वाटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर बन जाएगा मतलब सॉलिड किस में चेंज हो गया लिक्विड में चेंज हो गया तो ऐसे क्या है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन हो सकती है अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट व्हेन मैटर इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर इट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है नेम से क्लियर है ना स्टेट का चेंज होना जब मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट तो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन होती है कन्वर्जन ऑफ़ सॉलिड इंटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है ना आप कैसे रिमेंबर रख सकते हो इसे जब आइस आइस सॉलिड होती है और जब हमने उसे लिक्विड मतलब वाटर में चेंज किया तो क्या होता है वो मेल्ट होता है ना एक तरह से तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग और मेल्ट कैसे होगा जब हम हीट करेंगे आइस को आप हीट कर दो वो वाटर में चेंज हो जाएगा इसे हम बोलेंगे मेल्टिंग फिर है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग जब आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करोगे लिक्विड वाटर उसको सॉलिड में चेंज करना है मतलब आइस क्यूब्स में चेंज करना है तो आप क्या करोगे उसे फ्रीज़ करोगे ना तो लिक्विड को सॉलिड में क्या बोलते हैं जब हमें कन्वर्ट करना हो फ्रीजिंग नाउ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन तो जब हम लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन जैसे हमने एग्जाम्पल किया था ना कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो स्टीम बननी शुरू हो जाती है वो क्या लिक्विड से वेपो उसमें कन्वर्ट हो रहा है ना और हम क्या तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है इवेपोरेशन नाउ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन लेकिन जब गैस को लिक्विड में चेंज करना हो उसे उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है कंडेंसेशन अ ग्लास फुल ऑफ़ आइस क्यूब्स वेन कैप्टन एयर फॉर सम टाइम गेट्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन इट्स सर्फेस आपने देखा है ना जब ग्लास के अंदर आप आइस क्यूब स्टोर करके रख दो और आपने उसको ओपन एयर के हमें रख दिया तो जो ग्लास होता है वो साइड से गीला होना शुरू हो जाता है ना उसके साइड पर वाटर ड्रॉपलेट्स आने शुरू हो जाते हैं द वॉटर वेपो प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर कंडेंस वैन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सर्फेस और ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं ना गैश फॉर्म में वो क्या है जब कोल्ड सरफेस मतलब ग्लास का सरफेस कोल्ड होता है ना उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो क्या होना शुरू हो जाते हैं कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं इस वजह से हमें ग्लास के साइड्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हैं दिखाई देते हैं और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट जब हम करते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कंडेंसेशन नाव वॉट इज़ सब्लिमेशन द प्रोसेस इन विच ऑफ सॉलिड गेट्स कन्वर्टर टू गैशियस फॉर्म इज कॉल्ड सब्लीमेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज नहीं करना पड़ता वो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है सब्लीमेशन बहुत सारी एग्जाम्पल्स होते हैं सब्लीमेशन की जब हमारे घर पर पूजा होती है तो हम क्या करते हैं इंसेंसटिक्स होती है ना जो वो जलाते हैं ना तो हमने देखा है वो सॉलिड होती हैं लेकिन उनसे स्मोक बाहर आती है है ना स्मोक क्या है गैश फॉर्म ही है तो जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो गया गैशियस फॉर्म के अंदर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन नाउ देर इज वन एक्टिविटी टेक नैपथलीन बॉल्स एंड रैप दम इन अ पीस ऑफ क्लोथ नैप्थलीन की ना वाइट कलर की बॉल्स होती है आप पिक्चर में देख सकते हो तो जो नेपथलिन बॉल्स होती हैं ना उनको हम क्या करेंगे एक पीस ऑफ क्लोथ के अंदर रैप करेंगे एंड कीप एनी वेयर उसको आप कहीं भी रख दो वॉट विल यू ऑब्ज़र्व आफ्टर फ्यू डेज़ तो आप कुछ दिनों के बाद क्या ऑब्ज़र्व करोगे डज़ एनी थिंग चेंज क्या कुछ चेंज हुआ वॉट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस और आपने इससे क्या कंक्लूड किया दिस इज़ आवर एक्टिविटी तो जब आप ऐसा करोगे आप क्या ऑब्जर्व करोगे वी विल ऑब्जर्व दैट नैप्थेन बॉल्स हैव रिड्यूस्ड इन साइज़ हम देखेंगे कि थोड़े दिनों बाद जब आप अपना क्लोथ है जो उसके अंदर से नैप्थलीन बॉल्स को देखोगे आपको पता चलेगा कि नैप्थलिन बॉल्स का साइज़ क्या है रिड्यूस हो गया है कम हो गया है वेयर डिड द नैप्थलीन बॉल्स गो उनका साइज़ क्यों कम हो गया कहाँ गई वो नैप्थलीन बॉल्स इनफ्रेंस नैप्थलिन बॉल्स हैव अंडरगोन सब्लिमेशन वेन एक्सपोज टू एयर जब नेपथलिन बॉल्स को हमने ऐसे रख दिया ना पीस ऑफ क्लॉथ क्लोथ के अंदर वो एयर के कांटेक्ट में आई तो उनकी सब्लिमेशन हो गई सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैशेस फॉर्म में चेंज हो गई तो अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई है तो कुछ क्वान्टिटी तो क्या है उनकी सब्लिमेट सब्लिमेट हो गई ना कुछ क्वांटिटी क्या हो जाएगी सब्लिमेट हो जाएगी तो फिर वो कम हो जाएगी जो सॉलिड में थी दैट इज़ वैन एक्सपोज टू एयर नैपथलीन बॉल्स कन्वर्ट देअर सॉलिड स्टेट इन टू वेपर एंड हैंड्स गेट रिड्यूज इन साइज तो अभी मैंने आपको बताया क्योंकि उनका जो सॉलिड पार्ट था वो गैशियस फॉर्म के अंदर चेंज हो गया इसीलिए उनका साइज़ क्या है रिड्यूज़ हो गया सो दिस इज द एक्टिविटी वन एंड यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम यू जस्ट हैव टू रैप द बॉल्स इन अर क्लोथ एंड कीप इट इन योर आपके सेम चेंज को ऑब्जर्व करोगे सो प्लीज़ ट्राई दिस एक्टिविटी एंड होप एंड रीड द चैप्टर केयरफुली अलॉन्ग विद दिस मैंने आपको वर्कशीट टू और बुक वर्क की पिक्चर सेंड किए हैं कम्प्लीट दिस दिस आर बेस्ड ऑन द चैप्टर सो प्लीज़ कम्प्लीट योर वर्क इन नीट एंड राइटिंग थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे